तो आज हम लोग क्या देखना है, आज हम लोग को बेसिकली देखना है एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये दोनों जो ऑपरेटर्स हैं ये कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी के साथ काफ़ी यूज होते हैं। तो अगर पिछला वाला लेक्चर क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होने जा रहा है, इसलिए पहला वाला लेक्चर क्लियर होना चाहिए कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी क्या होता है। नाउ अब इसको समझेंगे कैसे, तो देखिए पहले क्वेरी लिखने से पहले हम लोग एक बोलते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि हम एक क्वेश्चन दिए, ठीक है, और मेरा ये स्टेटमेंट है कि क्लास का कम से कम एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, एटलीस्ट वन स्टूडेंट इन दिस क्लास कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम पहले से पूछना स्टार्ट किए, पहला अगर वो आंसर दे दे तो क्या हमको दूसरे से पूछने की जरूरत है? नहीं। ठीक है, लेकिन अगर पहला आंसर नहीं दे तब हम दूसरे की तरफ मूव करेंगे, वो नहीं दे तब तीसरे की तरफ मूव करेंगे। द मोमेंट एनी वन स्टूडेंट आंसर दिस क्वेश्चन आई स्टॉप, क्योंकि फर्दर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यही है एग्जिस्ट। लेकिन कभी कभी क्वेरी ऐसा होगा कि ठीक उल्टा हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, तब हम क्या यूज करेंगे? नॉट एग्जिस्ट। वो क्वेरी से क्लियर हो जाएगा, ऐसे क्लियर नहीं होता है प्रैक्टिकली, जब तक प्रैक्टिकली नहीं कीजिएगा क्लियर नहीं होगा। प्रैक्टिकली बोलने के लिए तो बड़ा आसान लगता है कि हाँ बोल दी। नाउ तो ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, टेस्ट करता क्या, एग्जिस्ट टेस्ट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ रोज इन द रिजल्ट सेट ऑफ द सब क्वेरी। ठीक, इसका उल्टा लिखें तो नॉन एग्जिस्ट, टेस्ट फॉर नॉन एग्जिस्टेंस तो क्या हो जाएगा? नॉट एग्जिस्ट के लिए, ये है एग्जिस्ट के लिए। अगर हम लिखें नॉन एग्जिस्टेंस तो हो जाएगा वो नॉट एग्जिस्ट के लिए। क्लियर है ये चीज? तो फिर आपको पहचानना पड़ेगा ये क्वेरी में कब आपको एग्जिस्ट यूज करना है और कब जो है आपको नॉट एग्जिस्ट यूज करना है। ठीक है, लेकिन जो हम एग्जाम्पल दिए हैं उससे आपको मतलब कम से कम क्लियर हो गया होगा कि एग्जिस्ट कब लगाना है और नॉट एग्जिस्ट कब लगाना है। ठीक है, नाउ डिपेंडिंग ऑन हमारे टेबल के ऊपर, सॉरी जो हमारा टेबल है उसके हिसाब से, हमारा टेबल कौन सा है? एम्प्लॉय, जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं इस टेबल के हिसाब से हम लोगों को एक क्वेरी लिखना है। मान लीजिए राइट ए क्वेरी इन एसक्यूएल टू डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज हु हैव एटलीस्ट वन पर्सन रिपोर्टिंग टू देम। मतलब आपको उन सारे एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जो कम से कम, जिनको कम से कम एक एम्प्लॉय रिपोर्ट करता हो, मतलब क्या है उसका मैनेजर हो। ठीक है ना, तो डिपेंडिंग अपॉन आवर टेबल हम देखते हैं पहले 1292 कौन सा है? हरीश। अब हरीश को अगर कोई रिपोर्ट करता होगा तो एम जी आर वाले कॉलम में उसका ई एम पी एन ओ होगा, जो कि है राजीव उसको रिपोर्ट करता है, कीर्ति उसको रिपोर्ट करती है और अनिल उसको रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो हरीश का रिजल्ट में नाम आना चाहिए। सिमिलरली राजीव जो है 1295 ये एम जी आर वाले कॉलम में कहीं नहीं है तो ये नहीं आना चाहिए। 1298 कीर्ति कहीं नहीं है, नहीं आना चाहिए। 1348 है, ठीक है, 1348 को हरीश भी रिपोर्ट करता है और प्रेरणा भी रिपोर्ट करती है तो वो आना चाहिए, मिथिलेश का नाम। सिमिलरली 1397 कहीं नहीं है, वो नहीं आना चाहिए। 1399 कहीं नहीं है, नहीं आना चाहिए। 1420 ये भी नहीं, ये नहीं आना चाहिए। 1496 ये है, शंकर और पूनम इसको रिपोर्ट करता है, ठीक है, और अनिल 1499 कहीं नहीं है। टेबल के अकॉर्डिंग समझ गए ना, क्योंकि टेबल जब तक क्लियर नहीं है तो क्वेरी कैसे लिखेंगे हम लोग। नाउ इस टेबल के अकॉर्डिंग हम क्वेरी को लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेरी हमारा कुछ ऐसा है, सेलेक्ट क्या है वहाँ पे, ई एम पी एन ओ, ई एम पी एन ओ एम्प्लॉय नंबर के लिए, ई नेम मर नेम के लिए, फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है, और इसको हम बना लेते हैं आउटर, वेयर एग्जिस्ट, ठीक है, सेलेक्ट ई एम पी एन ओ ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम जी आर इक्वल टू आउटर डॉट ई एम पी एन ओ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इस क्वेरी को। ठीक है, अगर कोई बोले कि जरा बताइए तो ये इसमें एक कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी है कि नहीं, तब बोलेगा यस है। क्यों है? क्योंकि कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी का पहचान क्या है?
जो इनर क्वेरी है उसमें कोई आउटर क्वेरी के कॉलम को रेफर किया हुआ रहता है। ये जो एम्प्लॉयज है इसका रीनेम होगा क्या हो गया अलियासिंग, आउटर, मतलब इसका नाम अब आउटर है। ये जो एम जी आर है किसका है, ये अंदर वाले का है, एम्प्लॉय टेबल का नाम है। तो इस एम्प्लॉय का एम जी आर अगर बाहर वाले टेबल के ई एम पी एन ए के बराबर हो, इसका मतलब उसका मैनेजर, ठीक है। नाउ अब ये रो बाय रो प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं ई एम पी एन ओ पहला के लिए 1292 हरीश है, और ये ई नेम में क्या है, यहाँ हरीश है, ठीक है ना। इनर, अब हर एक आउटर क्वेरी के हर एक रो के लिए इनर क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो पहली बार ये 1292 हरीश को ही लेके आएगा, ठीक है। इसका एम जी आर कौन सा है, 1348 बराबर आउटर के ई एम पी एन ओ 1292 के बराबर है नहीं, तो क्या होगा, अब ये आगे बढ़ेगा। क्लास का पहला जो स्टूडेंट है वो आंसर नहीं दिया तो हम दूसरे से पूछेंगे। या दूसरा कौन सा है, 1295 कौन है वो, राजीव, 1295, ठीक है राजीव। अब क्या है, इसका एम जी आर कौन सा है, इसका है 1292, और बाहर वाले का कौन सा है, 1292। ये मैच हो गया, ठीक है ना, मैच हो गया। मतलब ये जो राजीव है हरीश को रिपोर्ट करता है। आप बोलिए वो क्लास का जो सेकंड स्टूडेंट था वो आंसर दे दिया तो हम तीसरे से पूछेंगे नहीं, क्योंकि मेरा काम हो गया, अब वो ट्रू है, कम से कम एक रिपोर्ट कर रहा है, तो क्वेरी यहीं से बैक हो जाएगा, ठीक है। और ये 1292 और हरीश, ये जो रिजल्ट सेट में आ जाएगा, हम लोग अलग से लिखते हैं ई एम पी एन ओ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन इस पर बना बना के आते रहते हैं। हरीश 1292, ठीक है, ये मिटा दें। अब क्या होगा, उसका दूसरा रिकॉर्ड आउटर टेबल का दूसरा रिकॉर्ड कौन सा है, राजीव 1295 और राजीव, ठीक है। इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, ये क्या लेके आएगा, पहला 1292 और हरीश 12, इसका मैनेजर कौन सा है, 1348, आउटर वाले का क्या है, 1295, क्या मैच हो रहा है, नहीं तो ये नहीं आएगा। फिर दूसरा हम पूछेंगे, दूसरा कौन सा है, राजीव खुद, तो इसका 12 राजीव का एम्प्लॉय ये कौन सा है, 129, ठीक है, क्या इससे मैच कर रहा है, नहीं। तो फिर ये आगे बढ़ेगा, कीर्ति के पास जाएगा, उसका कीर्ति का ई एम पी एन ओ क्या है, 1298। देखिए वो आंसर तीसरा भी नहीं दिया था, चौथे पास, मतलब अगर ये फॉल्स है तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक, आखिरी टपल तक, लेकिन द मोमेंट वी फाउंड एनी वैल्यू ट्रू वी रिटर्न बैक, क्योंकि हमारा काम हो गया एटलीस्ट। तो 1298 कीर्ति के लिए हम चेक करेंगे, ये है 1298 और कीर्ति, मैनेजर इसका कौन सा है, 1292, क्या आउटर के ई एम पी एन ओ से मैच करता है, नहीं। तो मेरे ख्याल से अब कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा, फिर ये क्या, यहाँ भी मैच नहीं किया तो फिर अगर वो आगे जाएगा मिथिलेश के पास 1348, तो 1295 1348 से भी मैच नहीं करेगा। फिर वो आगे जाएगा किससे, 1397 उससे भी मैच नहीं करेगा। फिर वो आगे जाएगा 1399 इससे भी मैच नहीं करेगा। फिर 1420 इससे भी मैच नहीं करेगा। फिर 1496 उससे भी मैच नहीं करेगा। 1499 इससे भी मैच, मतलब क्लास का कोई स्टूडेंट इसका आंसर नहीं दिया तो क्या ये रिजल्ट में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि एटलीस्ट था ना मेरा कंडीशन, ठीक है। अब हम फर्दर आगे उस किसके लिए चेक करेंगे, कीर्ति के लिए, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। मतलब जैसे ही, अब तो बताने की जरूरत नहीं ना, आगे ये कीर्ति के लिए चेक होगा उसी तरह से, कीर्ति के लिए क्या चेक होगा, देखिए 1298 और यहाँ है कीर्ति। फिर उसी तरह से स्टार्टिंग हरीश 1292 हरीश मैच नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 1295 उससे भी मैच नहीं होगा। 1298 कौन सा है, कीर्ति के, उसमें भी मैच नहीं होगा क्योंकि उसका 129 मैनेजर है 1292। फिर फर्दर आगे वो किसी से मैच नहीं होने जा रहा, आप टेबल में मिला लीजिएगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, मिथिलेश का देखते हैं 1348, एक और देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 1348 और मिथिलेश, क्योंकि मे भी किसी को कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो तो इस बार क्लियर हो जाएगा। 1348 ये पहला एम्प्लॉय को लेके आया, कौन, 1292, और ई नेम क्या है इसका, हरीश, ठीक है।
इसका मैनेजर कौन है यार? इसका मैनेजर 1348 है ना। आउटर वाले का एम्प्लॉय नंबर क्या है? 1348। ये मैच हो गया, तो मैच हो गया तो फर्दर आगे चेक करेंगे क्या? नहीं, और ये आंसर में आएगा। आंसर में क्या आएगा? 1348 मिथिलेश एंड सो ऑन। क्लियर है ये चीज? तो ये हो गया नॉट एग्जिस्ट का यूज, सॉरी एग्जिस्ट का यूज। ठीक है, अब एक चीज है, आपको यहाँ पे ना EMPN और E-name लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए आप लिखिएगा तो भी चलेगा। हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेस्टिंग ओनली द ट्रूथफुलनेस ऑफ स्टेटमेंट, मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे अगर EMPN और E-name लिखिएगा तो क्वेरी ज्यादा टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में। इसके बदले हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू रिटर्न कर देंगे एक्स। उससे क्या होगा, ये टाइम बचेगा, क्वेरी थोड़ा फास्ट मूव करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। समझ रहे हैं? क्लियर। तो ये है एग्जिस्ट का काम। अब ठीक इसका उल्टा नॉट एग्जिस्ट, इस क्वेरी को मिटाया ना। क्लियर है सबको? नाउ नॉट एग्जिस्ट एक किसको चेक करेगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता हो। तो इसमें हम लोग जो क्वेरी लिखेंगे वो क्वेरी है कुछ ऐसे, राइट ए क्वेरी इन SQL टू डिस्प्ले ऑल डिपार्टमेंट्स हु हैव ऑल डिपार्टमेंट्स दैट डू नॉट हैव, ठीक है, डू नॉट हैव। हम लोग टेबल में देखते रहेंगे कि वहां पे क्या लिखा हुआ है एम्प्लॉयज, क्योंकि इसमें क्या है ना, हमारा डिपार्टमेंट टेबल कंसर्न है, इसलिए डिपार्टमेंट टेबल में फोकस करना पड़ेगा। नाउ अभी एक बोल क्या रहा है कि आपको उन डिपार्टमेंट्स का, उन डिपार्टमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जिनमें कोई एम्प्लॉय काम नहीं करता। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे? अगर हम टेबल को देखें तो इसमें एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें कोई एम्प्लॉय नहीं है, वो है 40 ऑपरेशंस। देखिए ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयज टेबल के DNO में कहीं भी 40 नहीं है। लेकिन ये तो हम लोग मैनुअली चेक कर रहे हैं ना 10-12 रिकॉर्ड के लिए। सपोज देर आर 1 मिलियन, 10,000-20,000 रिकॉर्ड्स आर देयर, देन मैनुअली इंस्पेक्शन इज नॉट पॉसिबल। और हम लोग क्वेरी किस लिए देख रहे हैं जब मैनुअली चेक करें तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? तो क्वेरी को ध्यान से देखिए, पहले बार में एग्जिस्ट करने, इससे पहले वाले क्वेरी में हम लोग बात कर रहे थे कि ये एग्जिस्ट करता हो, एटलीस्ट वन पर्सन रिपोर्टिंग टू देम। यहाँ क्या है, दैट डू नॉट हैव एनी एम्प्लॉय, ध्यान रखिएगा ये चीज। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे क्वेरी लिखेंगे वो हम लोग देखते हैं। नाउ हम लोग क्वेरी लिखते हैं, हमारे पास टेबल है DNO DName और MGR करके। पहले क्वेरी लिखते हैं उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। सेलेक्ट DNO कॉमा DName फ्रॉम DEPT आउटर वेयर नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए, अब जैसे हम लोग इससे पहले बात किए थे, क्योंकि आपको कॉलम से मतलब नहीं है, कोई कांस्टेंट वैल्यू चलेगा। फ्रॉम EMP, अब यहाँ एम्प्लॉयज टेबल है और यहाँ डिपार्टमेंट टेबल है, वेयर DNO इक्वल टू आउटर डॉट DNO। क्लियर है, एक क्वेरी है हमारा। और टेबल के अकॉर्डिंग अब देखते हैं, नाउ डिपार्टमेंट नंबर का ये कहाँ से ला रहा है वैल्यू, डिपार्टमेंट टेबल से, एम्प्लॉयज टेबल से अब नहीं ला रहा है, ध्यान दीजिए। और ये कहाँ से वैल्यू लेके आ रहा है, एम्प्लॉयज टेबल से। तो दोनों जो क्वेरीज है डिफरेंट डिफरेंट टेबल से वैल्यू को ला सकता है। ठीक है, तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। नाउ पहला DNO का हम लोग वैल्यू देखते हैं, ये 10 है और एक क्या है DNAME, यहाँ अकाउंटिंग ये थोड़ा छोटा है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, DPT आउटर मतलब डिपार्टमेंट का नेम हम लोग क्या कर दिया, आउटर। अब यहाँ नॉट एग्जिस्ट है मेरा, ये हम कह रहे हैं, मेरा कहना है कि मेरे क्लास का कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। और हम पहले से पूछे, अगर वो आंसर दे दे तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फॉल्स हो गए, हम वापस लौट आएंगे।
लेकिन अगर वो नहीं दे तो फिर हम आगे जाएंगे आगे जाएंगे आगे जाएंगे, जब तक वो आखिरी स्टूडेंट आंसर ना दे दे हम नहीं बोल सकते मेरा स्टेटमेंट ट्रू है। तो वो आखिरी स्टूडेंट भी आंसर नहीं दिया तब जाके मेरा स्टेटमेंट कहीं ट्रू हुआ कि मेरा स्टेटमेंट क्या था, क्लास का कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता है। ठीक है, दोनों में फर्क देख लीजिए, पहले वाले क्वेरी में क्या है और इस वाले क्वेरी में क्या है। अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, सपोज एक्स फ्रॉम एम्प्लॉयज वे डीएनओ, डीएनओ कौन सा है, एम्प्लॉयज टेबल का डीएनओ, तो पहला रिकॉर्ड कौन सा है, हरीश वाला रिकॉर्ड, उसका डीएनओ है 10। क्या आउटर के डीएनओ से मैच करता हो, जैसे ही मैच कर गया हम तो बोल रहे थे नहीं एग्जिस्ट करेगा और वो आंसर तो मिल गया, तो यहीं से वापस लौट जाएगा क्योंकि अब ये नहीं आ सकता, क्लियर, नॉट एग्जिस्ट है ना, यहीं से वापस ले जाएगा। मेरा कहना था कि क्लास का कोई भी स्टूडेंट आंसर नहीं दे सकता और पहला स्टूडेंट ही आंसर दे दिया, तो अगर बाकी वाला आंसर नहीं भी दे तो मेरा स्टेटमेंट तो पहले ही फॉल्स हो चुका है। ठीक है, तो ये वापस लौट जाएगा। नाउ अगला हम लोग चेक करेंगे 20 के लिए, 20 का है क्या सेल्स, यहाँ पे आएंगे ये डीएनओ पहले से फिर से स्टार्ट करेंगे, पहला का 10, ये 10 है, हरीश का है एम्प्लॉयज का पहला रिकॉर्ड डीएनओ 10, आउटर का डीएनओ क्या है 20, ये मैच नहीं किया, तो फिर आगे बढ़ेगा राजीव के बारे में, राजीव का क्या है डीएनओ नंबर 20 और आउटर डीएनओ क्या है 20, ये मैच कर गया, समझ गया, मैच कर गया मतलब आंसर मिल गया, अब ये भी नहीं हो सकता। फिर हम लोग आएंगे डिपार्टमेंट नंबर 30 में रिसर्च में, फिर से स्टार्ट करेंगे, हरीश के लिए क्या है 10, तो 10 इक्वल टू 30 नहीं मैच हुआ, फिर राजीव के लिए 20 इक्वल टू 30 नहीं मैच हुआ, कीर्ति के लिए 20 इक्वल टू 30 मैच नहीं हुआ, मिथिलेश के लिए 10 इक्वल टू 30 मैच नहीं हुआ, मुकेश के लिए 30 इक्वल टू 30 मैच हो गया ना, हम तो बोल रहे थे नहीं नॉट एग्जिस्ट, तो फिर ये भी गड़बड़ हो गया। अब हम आएंगे फर्दर आगे 40, 40 और ये ऑपरेशंस है। नाउ अब यहां देखते हैं पहला रिकॉर्ड क्या है हमारा 10 हरीश वाले का 10 इक्वल टू 40 मैच नहीं किया, फिर अगला क्या है 20 इक्वल टू 40 ये भी मैच नहीं किया, फिर अगला क्या है 20 इक्वल टू 40 ये भी मैच नहीं किया, फिर 10 इक्वल टू 40 ये भी मैच नहीं किया, 30 इक्वल टू 40 ये भी मैच नहीं किया, फिर 10 इक्वल टू 40 ये भी मैच नहीं किया, फिर ये नल है, नल तो किसी के साथ मैच कर ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो नल है, फिर अगेन 10 इक्वल टू 40 ये भी मैच नहीं किया, 20 इक्वल टू 40 ये भी मैच नहीं किया, किसी से मैच नहीं किया, इसका मतलब क्या होगा ये वाला आपका ट्रू है। तो सिर्फ 40 ही ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कोई एम्प्लॉई काम नहीं करता, ठीक है, तो ये है नॉट एग्जिस्ट का यूज, ठीक है, तो एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ये दोनों ही एक दूसरे के ठीक अपोजिट में काम करता है, आपको पहचानना है कि कब किसको हम यूज करेंगे ये जरूरी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, फर्दर आगे देखेंगे और